गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द समरी ऑफ द चैप्टर एडवेंचर गिवन इन योर हॉर्नबिल बुक. दिस इज़ योर सेवन चैप्टर. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव अ क्विक समरी सो दैट यू ऑल मे अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल. सो द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज़ जयंत नर्लिकर, ठीक है. और उन्होंने जो ये एडवेंचर है इसको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग फॉर्म के अंदर लिखा है. उन्होंने हिस्ट्री और साइंस को कंबाइन करके इस चैप्टर के अंदर लिखा है. इस चैप्टर के जो मेन हीरो हैं वो कौन है, एक हिस्टोरियन है और उनका नाम क्या है, प्रोफेसर गाय टोंडे, जो कि न जाने उनको क्या होता है कि वो पास्ट के अंदर ट्रेवल कर जाते हैं. और जब वो पास्ट में जाते हैं, उनका जो माइंड है जब वो पास्ट में जाता है तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं जो कभी था ही नहीं. वो अपने आप को मुंबई के अंदर पाते हैं. ही फील्स कि उन्होंने वो मुंबई में हैं और वहाँ कुछ वो ऐसा देखते हैं जो शायद कभी एक्चुअली में प्रेजेंट ही नहीं था, ठीक है. जो मुंबई जो प्रेजेंट जो मुंबई है वो बहुत डिफरेंट है जो मुंबई प्रोफेसर गाय टोंडे ने अपने उस ड्रीम के अंदर या अपने उस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर देखी है. तो देयर ही गेट्स डाउन एट विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन. वो विक्टोरिया के ऊपर उतरते हैं. उसके बाद में वो देखते हैं कि जो स्टेशन है बहुत साफ़ सुथरा है, जो एक्चुअली में नहीं होता है. और जो जैसे ही वो ट्रेन से और ट्रेन के जो कोचेज़ होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है ग्रेट बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे. और जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर एंग्लो इंडियंस और थोड़े बहुत जो ब्रिटिशर्स हैं वो स्टाफ मेंबर्स के अंदर इंक्लूडेड थे. फिर वो क्या कह रहे हैं कि उसके बाद में वो स्टेशन से बाहर निकलते हैं. उसके बाद में बाहर निकलते उनको दिखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर्स. वहाँ पे बिल्डिंग्स थी और ज़्यादातर जो भी बिल्डिंग्स थे वो ब्रिटिश ब्रांड की बिल्डिंग थी. जितने भी बैंक्स थे वो ब्रिटिश बैंक्स थे. यहाँ तक कि वो अपने बेटे, जो उनका बेटा जो है वो मुंबई में रहता, अपने बेटे के वहाँ पे गए फोर्ब्स में जहाँ वो काम करता, लेकिन वो वहाँ नहीं था. अब अपने उस पहेली को सुलझाने के लिए ही वेंट टू अ लाइब्रेरी और उन्होंने बैटल ऑफ पानीपत, अब उन्होंने क्या हिस्ट्री को खंगाला. तो जहाँ तक उन्होंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी तब तक तो सब कुछ सेम चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ ही बैटल ऑफ पानीपत में. अपॉन रीडिंग ही फाइंड्स आउट द डिटेल्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एक्चुअली हैपेंड, है ना. जो उन्होंने एक्चुअली में जो हुआ था, जो सुना था वो और जो वो वहाँ पढ़ रहे थे, इट वॉज मतलब थोड़ा डिफरेंस था. इनफैक्ट ही ऑल्सो रेड दैट द ब्रिटिश रूल नेवर मेड इट टू इंडिया विच सरप्राइज देम. और उन्होंने जो उस बुक के अंदर लिखा था उसमें लिखा था कि ब्रिटिशर्स कभी इंडिया आए ही नहीं, तो फिर अब वो कहाँ थे, क्या हो रहा था, वॉज ऑल सरप्राइजिंग. विजिट लाइब्रेरी को विज़िट करने के बाद में वो आज़ाद मैदान जाते हैं और वहाँ पे ऑडियंस के साथ उनकी झड़प हो जाती है. उन ऑडियंस उनको खूब पीटती है. उसके बाद में उनको स्टेज से नीचे गिराया दिया जाता है. जो ये गाय टोंडे है उसके बाद में जो अपना वो जो टाइम ट्रेवल एक्सपीरियंस उन्होंने किया था वो उससे बाहर आते हैं एंड ही इमेजिन्स कि ही वॉज लाइंग अनकॉन्शियस इन द आज़ाद मैदान. अब जो प्रोफेसर है वो प्रोफेसर देश पांडे के पास जाता है ताकि उनको एक्सप्लेनेशन मिल सके कि उनके साथ ये क्या हुआ, कहाँ गए, क्या मिला, क्या नहीं मिला. जब वो प्रोफेसर देश पांडे के पास जाता है तो वो उनको बताते हैं कि मतलब कि उन्होंने अपने सबको, देर आर मेनी वर्ल्ड्स, है ना, साइंटिफिक थ्योरीज से वो उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जो भी उन्होंने एक्वायर किया, अज्यूम करा, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड ने किया. वो एक दूसरे देश की, दूसरे वर्ल्ड की यात्रा करके आए हैं और उन्होंने हिस्ट्री और साइंस को कंबाइन करके इस चैप्टर को बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया हमारे ऑथर ने. एंड दे से कि फिजिस्ट बिलीव दैट देर आर मेनी वर्ल्ड्स, है ना, बहुत सारे वर्ल्ड्स हैं. हम एक तो हम अपने सेंस, एक तो हम देखते हैं और एक वर्ल्ड है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं. जो और देश पांडे हैं गाय टोंडे को एक्सप्लेन करते हैं कि तुम दूसरे वर्ल्ड के, अपनी कोमा की वजह से तुम एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर जाके आए हो, जहाँ पर शायद जो वॉर ऑफ पानीपत है वो मराठास ने जीता था और वहाँ पे शायद जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने कभी राज किया ही नहीं. और दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट विच टुक प्लेस टू विच गाय टोंडे वेंट इन अ कोमा. सिमिलरली एट लास्ट द लास्ट थिंग ही वॉज थिंकिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत. और मतलब क्योंकि वो जिस टाइम जब उनका एक्सीडेंट हुआ तब ही वॉज वॉकिंग और उनका कोई सेमिनार होना वाला था, उनको कहीं पे लेक्चर देना पड़ रहा, देने वाले थे वो पानीपत के वॉर के बारे में, तो वो वही सोच रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो उसी उसके अंदर जो है पास्ट के अंदर चले जाते हैं. जो कंक्लूजन है एडवेंचर का वो ही है, ये है कि तो फ्रॉम द एडवेंचर वी लर्न दैट देयर आर अदर रियलिटीज टू अपार्ट फ्रॉम द वंस वी सेंस. दे मे सीम रियल बट आर इन हेड ओनली. वो जो रियलिटीज है वो सिर्फ हमारे माइंड में रहती है, देख हमको वो रियल लगती है लेकिन ऐसा नहीं होता है. सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू. हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू.